ऊंची इमारतों वाला ये शहर मुंबई, जहां सपने पूरे किए जाते हैं। और इस बार है एक छोटा सा गांव मरोरी, जहां सपने बुने जाते हैं। इस कहानी के कुछ किरदार सपने पूरा करने में लगे हैं, तो कुछ अभी सपनों को बुन ही रहे हैं। ऐसा क्यों है कि मैं संभवी को अपना समझकर भी अपना नहीं पाता? शायद मेरे वो एहसास गुम हैं जो जिंदगी की परवरिश करते हैं। एहसास गुम नहीं है शंकर, गुम तो तुम हो अपने अतीत में, जो तुम 17 साल पीछे छोड़ाए हो। मुझे अपनाने के लिए तुम्हें उन्हें भुलाना होगा। कभी कभी सोचती हूँ काश मेरा भी तुम्हारे साथ कोई अतीत होता, तो मैं भी गुम रहती, फिर तो जिंदगी तुम्हारे बिना भी थोड़ी सी आसान जरूर लगती। तुम्हें क्यों लगता है संभवी के तुम गुम नहीं हो, या फिर तुम्हारा कोई अतीत नहीं? संकल्प के साथ आज ही तुम्हारा अतीत बनता जा रहा है। गुम तो तुम भी, तभी तो कांटों के साथ खेल रही हो फूल समझकर। तुम गुम हो संकल्प के इंतजार में, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है इसका तो तुम्हें इल्म भी नहीं। लेकिन मुझे इल्म है तुम सबके इंतजार का, तुम सबके एहसास का। संभवी मेरी बहन है, जिसकी खुशी में मेरी खुशी है, और मानव मेरा बहुत अच्छा दोस्त। अब मैं मानव की जिंदगी में संभवी को देखना चाहता हूं। सो उसकी कुछ कर नहीं सकता। और ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि माँ कहती है सभी रिश्ते जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपना लेते, वो सभी के सभी रिश्ते होते एक दूसरे से बस थोड़े से अनजाने। तू यहाँ बैठी है, तेरे डायरेक्शन में बने ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन की स्क्रीनिंग हो रही है, तुझे तो वहां होना चाहिए था। नहीं, मुझे तो यही होना चाहिए था। तू एक काम कर, अपने लिए कॉफी का ऑर्डर करके आना। ये जो बिल्डर है ना, ये कोई एरा गैरा क्लाइंट नहीं है। हर साल हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट को उसके फेवरेट सब्जेक्ट पर एक शॉर्ट फिल्म बनाने का मौका देता है, और हर साल फेस्टिवल में स्क्रीनिंग भी करवाता है। एंड यू आर लूजिंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी यार। क्या? ब्रिलियंट। I think आपके स्टूडेंट्स बहुत ही ब्रिलियंट हैं। I love the way they make the films. और उस लड़की का नाम क्या था जिसने ये लास्ट फिल्म बनाई थी? वो बहुत मूडी है। But एक honest filmmaker वाला attitude है उसमें। And I'm sure as a filmmaker उसका करियर बहुत bright है। I'm sure too. She'll make a mark. वैसे आप चाहें तो बिमी को मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा। बिमी? सॉरी सॉरी सर, वो मैं बहुत जल्दी में हूं। आप कहां जा रही हो? स्क्रीनिंग खत्म हो चुकी है और क्लाइंट जा चुका है। अब मैं क्या करूं सर? कुछ मत करो, लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ। ये जो तुम हर बात का मजाक बनाती हो ना, उसे बनाना बंद कर दो। और हाँ, कल मानव सर से जाके मिल लेना, he will definitely do something. तुम्हारी फेस रीडिंग की हॉबी ने तुम्हें लोगों के चेहरे पढ़ना सिखा दिया। मैं तो खुली किताब हूं यार,
आर्टिस्ट के पास छुपाने के लिए अपनी फीलिंग्स के अलावा और कुछ नहीं होता। और तुम्हें तो वो भी पता है, संभवी को मैं इतना प्यार करता हूं कि मैंने खुद से छुपा रखा है। लेकिन तुम ये भी जानते हो, तो तुम सब कुछ संभवी को बता क्यों नहीं देते? इतना आसान होता तो अब तक तुम नहीं बता चुके होते। कुछ रिश्तों को जिंदा रखने के लिए शायद उन्हें छुपाए रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कब तक छुपा कर रखोगे संकल? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पास्ट को रोज आने वाले कल में ढूंढने की जिद पालते हो? संकल्प जो बीत गया है वो लौट कर नहीं आता है। यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों को तो माँ के 17 इयर्स के पास्ट के बारे में पता है ना, और ये भी पता है ना कि पास्ट कभी लौट कर नहीं आता? ये सच है टिमली के पास्ट कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ लौटा कर जाता है। देखो मुझे संकल्प, संकल्प मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया है, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि खुद तुमने मुझे बदल दिया है। लेकिन तुम जानते हो किस बात पर मुझे गुस्सा आता है, किस बात से मैं इरिटेट होती हूँ, क्यों मैं झल्ला जाती हूँ? पिछले 5 साल से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। रोज मैं तुमसे मिलती हूँ और रोज मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अनजान आदमी से मिल रही हूँ, जबकि तुम्हें पता है संकल्प कि तुम पूरी तरह से मेरी जिंदगी में हो। संकल्प अब मैं अपना फैसला नहीं डाल सकती और तुम्हें भी अपना फैसला लेना होगा। तुमने अपना फैसला ले लिया है? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग ये कहें कि एक बिल्डर जो दूसरों के घर बनाता है वो खुद का ही घर नहीं बना पाया, और एक इंटीरियर डिजाइनर जो दूसरों के घर सजाती है वो अपना ही घर नहीं सजा पाए। क्यों तुम अपने हिस्से का इंतजार मुझे देना चाहते हो शंकर? हम अपना घर बनाएंगे और तुम उस घर को सजाओगी भी। लेकिन जब मेरा अतीत मेरा सामने आके खड़ा हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? और मैं क्या करूं? ये ले। थैंक यू बेटा। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं तू बैठ। हेलो जी, नमस्ते। जी जी कब आ रहे बोलो? जी जी मैं साफ करवा लूँगी। जी नहीं बिल्कुल नहीं, वो हमारे गेस्ट होंगे तो खाना भी हम ही लोग बना कर देंगे। जी जी नमस्ते। क्या कह रहे थे कैप्टन साहब? एक काम करो, गेस्ट रूम रेडी करवा दो। वो आ रहे हैं क्या? नहीं वो नहीं आ रहे, कोई बिल्डर आ रहा है जिसे इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है।
लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो आकर रहना चाहते कुछ दिन, यू नो, माहौल देखना चाहते हैं, फिर वो डिसाइड करेंगे कि इस घर को तोड़ के वो अपने लिए घर बनाएंगे कि नहीं। मैडम मैरी कॉम, क्या हो गया तुम्हें आज? तुम्हारी प्रैक्टिस ही नहीं खत्म हो रही और इस पंचिंग बैग को किसका थोबड़ा समझकर पंच मारे जा रही हो? किसी ने पंगा लिया तुमसे? उसी बिल्डर ने जिसको ये जगह पसंद आई है ना, उसने। पहले तो मैं उसका मुंह तोड़ूंगा और उसके दो तीन दांत तोड़ के उसके हाथ में टिका के उसका वेलकम करूंगा। तुम जानती हो ना, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, हम सब केयर टेकर हैं। जानता हूं, लेकिन ये कैप्टन होता कौन है बिल्डर को ये प्रॉपर्टी देने वाला? उसके बाप ने हमारी माँ को ये प्रॉपर्टी संभालने के लिए दी थी ना, और पिछले 17 सालों से माँ इसकी देखभाल कर रही है ना, तो अभी ये कैप्टन ने अचानक डिसीजन कैसे उठा लिया इसे बेचने का? हम कहाँ जाएंगे, ये सोचा उसने कभी? ये प्रॉपर्टी उनकी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। और तुम्हें लगता है मैं उनको करने दूंगा? अच्छा ठीक है, जाओ तुम भी मेरे को जट्टी से लेकर आओ। कोर्ट पे बैठने से पहले उसने मुझे कॉल किया था, जाओ। लाओ माँ, मैं करती हूँ। नहीं ठीक है माँ, टिमली को इस घर से बहुत अटैचमेंट हो गई है। अगर आप बड़े अंकल जी से बात करते तो 2-3 साल और रुक जाते। 3 सालों से यही तो करती आ रही हूँ मैं, अपना ना होते हुए भी कितना साथ दिया उन्होंने हमारा इतने सालों तक, और फिर अब तो उनकी मर्जी भी नहीं चलती, बहू बेटे के जिम्मे कर दिया है सब कुछ, और वो लोग इस बार का सब कुछ बेचकर स्पेन में सेटल होना चाहते हैं, और फिर अपनी खुशी के लिए कब तक हम लोग? तुम्हें और बिम्मी को समझाना होगा। बिम्मी एक बात बता, ये चादर, ये पिलो कवर, ये कंबल तू उनके लिए लेकर के आई है ना अपने बिल्डर साहब के लिए? हाँ ठीक है, तो एक बात याद रख, इसे सिर्फ हम लोग यूज करेंगे, समझी? ये हमारे कमरे में रहेगा। और उस बिल्डर के लिए ना तू मेडिकल स्टोर से मेडिकल किट लेके चलिया, क्योंकि उसके दांत तोड़ने के बाद जब माँ और दीदी को कुछ इंसानियत वाली फॉर्मेलिटी करनी होगी ना तो वो लोग कर लें, समझी? श्यामली जरा गेस्ट रूम चेक करके आ, देख सब ठीक है कि नहीं। जी माँ। माँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। उस बिल्डर को ना ये जगह पसंद आया ना है, लेकिन गेस्ट रूम बहुत पसंद आएगा। लेकिन माँ ये तभी हो सकता है ना जब टिमली उसे रूम तक जाने देगी। पता नहीं क्या करने वाली है, बॉक्सिंग ग्लव्स लेके डाइनिंग टेबल पर बैठी है, उसे रोकना पड़ेगा। माँ बोलो, मुझे समझाने की ना कोशिश भी मत कर, समझी? लो आ गई, अब तुम दोनों समझाओ इसे, मैं डाइनिंग टेबल सेट करके आती हूँ। सुनो प्लीज, प्लीज मैं आज बहुत हैवी ड्यूटी पर हूँ। लगता है आ गए।
साल पहले मैं तुम तीनों को लेकर यहाँ आ गई थी और साथ में लाई थी सिर्फ ये एल्बम। इसमें मेरी 17 साल पुरानी कुछ तस्वीरें हैं, या यूं कह लो कि 17 साल पुरानी मेरी जिंदगी। मेरे पास और भी बहुत कुछ है तुम लोगों से छुपाने के लिए इस एल्बम के सिवा, लेकिन बताने के लिए कुछ भी नहीं। फिर भी मैं ये जरूर जानती हूं कि 17 साल पुराना अतीत तुम लोगों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक न एक दिन खुद सामने आकर खड़ा हो जाएगा। माँ, माँ, चाहते क्या हो संकल्प? संकल्प तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे अपनों ने अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए तुम्हें और मुझे एक रिश्ते में बंधने के लिए मजबूर कर दिया। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी कि रिश्ते निभाए जाते हैं, ढोए नहीं जाते। मैं समझ गई, जो फैसला तुम लेना नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि मैं लूं, है ना? लेकिन जब मेरा अतीत मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा तो तुम क्या करोगे और मैं क्या करूंगा? मेरा हाथ छोड़ दो शंकर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अतीत अब तुम्हारे सामने आ गया है। और अब तुम्हारे साथ ना मेरा कोई प्रेजेंट है ना कोई फ्यूचर। तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम्हारे एहसास गुम हो गए हैं, और मैं कहती थी कि तुम्हारे एहसास नहीं, तुम गुम हो गए हो। और आज
तुमने अपने एहसास को ढूंढ लिया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे एहसास ने तुम्हें ढूंढ लिया है। आज तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने सिर्फ मैं हूं जिसका अपनापन गुम हो गया है, जिसकी पहचान आज चुप है। सही मायने में तो जिसका एहसास गुम हो गया है। अच्छा हुआ मेरे साथ घर बसाने के पहले तुम अपने घर लौट आए। अब मैं चलती हूँ संकल्प, क्योंकि आज से अभी से हम दोनों हो गए हैं अनजाने। कैप्टन साहब का फोन आया था, हम लोगों ने आपके रहने का इंतजाम कर दिया है कुछ दिनों के लिए। जी शुक्रिया। गाड़ी में कुछ सामान रखा है, हम लेके आते हैं। मुझे कुछ और भी बातें करनी है आपसे। हमारा अतीत जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे आज और मेरे कल में आपके लिए कोई स्थान नहीं। क्योंकि जो बिल्कुल अनजाने होते हैं उनके साथ तो रिश्ता बनाया जा सकता है, लेकिन उन अपनों के साथ दोबारा रिश्ता नहीं बनाया जा सकता है जो बस थोड़े से अनजाने हो। कहते हैं किससे सिर्फ कागज पर लिखे ही नहीं जाते, कंधों पर ढोए भी जाते हैं। कभी जवान से कंधों पर तो कभी बचपन से कंधों पर तो कभी उम्र के भार से दबे कंधों पर। राम ने सीता का त्याग किया था, या फिर सीता ने राम के लिए त्याग किया था। प्रभा और संभवी में कौन है सीता, क्या संकल्प राम है, क्या है 17 साल के अतीत की हकीकत और क्या है किस्सा, जानेंगे हम कड़ी दर कड़ी उन अपनों की जिंदगी में जो हो जाते हैं बस थोड़े से अनजाने।